एक और नया साल, होपफुली जो पिछला बीता साल था आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। पर अगर नहीं अच्छा रहा है किसी भी कारण से, तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए साल में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये जो नया आने वाला साल है, आज उसका पहला दिन है। अब ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होने वाला है। पिछले साल की जैसा अगर बहुत अच्छा था तो वैसे ही ये साल भी बहुत अच्छा होगा, और अगर किन्हीं कारणों से वो साल गलत रहा तो वो सारी चीज़ें जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ से गलत हुई थी, इस बारी गलत ना हो। तो कुछ इन्हीं होप्स के साथ में हम नए साल के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं, और होपफुली आप बहुत अच्छा करेंगे इस साल। हालांकि आप अच्छा ही करते हो। जो बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 या फिर अभी अपने होम एग्जाम से फ्री हुए हैं, होने वाले हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम्स को फेस करने वाले हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि आप सभी को इस नए साल में, एक बोलते हैं ना अपन हर साल रेजोल्यूशंस लेते हैं जो कई बार सक्सेसफुल हो नहीं पाते, कुछ दिन ही चलते हैं, तो उन्हीं सब में से एक छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप लोग वो काम करो टाइम पर जिसकी ड्यूटीज़ आपको डिफाइन की गई है, बताई गई है, या आपके लिए वो ड्यूटीज़ बनाई गई है। अभी मतलब जिस भी आप एज में हैं, लाइक अभी आप स्कूल गोयर्स हैं, तो आप स्कूल के अंदर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके सब्जेक्ट के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपके टीचर्स के लिए, जो ड्यूटीज़ आपके पेरेंट्स के लिए आपको परफॉर्म करनी होती है, उन ड्यूटीज़ को, और जो ड्यूटीज़ आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्किल में जो आप लोगों के लिए है, उसको फोकस करें। ठीक है, सही टाइम पर सही ड्यूटीज़ को फोकस करना ज़रूरी है। हम कुछ अलग से ही ड्यूटीज़ हमारे लिए बना लेते हैं, कुछ अलग से ही हम कुछ, क्योंकि आपकी जो एज है उस एज में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है एक साथ, तो वो कुछ मैशअप हो जाता है। तो आपके लिए अभी ये जानना ज़रूरी है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और उन्हीं ड्यूटीज़ को आपको परफॉर्म करना होता है। इससे होगा ये कि आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिनड हो जाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को अपने मन पे हावी ना होने दें, अपने आप को एडिक्ट ना करें किसी भी चीज़ का, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो आपके स्टडीज़ हो। एडिक्ट स्टडीज़ के लिए भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है, वो 3 इडियट्स वाला मुझे याद है कि आप केवल रिजल्ट के लिए पढ़ने लग जाते हो, नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो एडिक्ट ना हो किसी भी चीज़ का, और ना ही किसी इंसान का, फ़ोन या कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी इंसान, किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों के तरफ तो आप जाते ही नहीं हो जिनसे एडिक्शन होता है, मैं उनकी बात तो कर भी नहीं रहा, और होना भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि उस पर खुद पर लिखा होता ना कि जानलेवा एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए अभी नहीं है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं इस साल में। जो रेजोल्यूशंस आप ले रहे हैं वो इतने टफ ना बनाएं कि वो आप अचीव ना कर पाएं, ठीक है। और ज़रूरी है कि आपको ये समझना कि सही टाइम पर, इस टाइम पर, या फिर कभी भी आप जो काम कर रहे हो, क्या वो आपकी ड्यूटीज़ के अंदर आता है। हर एक इंसान को हर एक एज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अभी जिस एज में आप हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके करियर को फोकस करना। आप स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी मोटिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको आप कैसे अचीव करें, वो आपका मेन ड्यूटी है, वो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप उनकी तरफ फोकस्ड रहें, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो। और कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं आप लूज़ हो रहे हो, कहीं आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, कहीं आप हार रहे हो, तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप फोकस करें उन सभी चीज़ों को जो आपको गॉड ने बाय गिफ्ट दी है, गिफ्ट की फॉर्म में आपको मिला, लाइक एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट, एक अच्छे पेरेंट, अच्छे फ्रेंड सर्किल, अच्छी सोसाइटी आपके पास में। अगर आप ये मेरा वीडियो देख पा रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो शायद हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों के हाथ में नहीं है। लाइक आप अगर नेट सर्फ कर पा रहे हो, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके पास में गैजेट्स हैं, लैपटॉप, कहीं पर भी आप जो देख रहे हो, इसका मतलब है आप सबको वो चीज़ें मिली हैं। अब ये आपने अभी मेहनत से तो की नहीं, अगेन इसका मतलब आपको गॉड ने ये सारी दी है, आपके पेरेंट्स के थ्रू आप तक पहुंचाई है, तो इसका मतलब यू आर ब्लेस्ड। उन्हीं ब्लेसिंग्स को कैरी ऑन करें हम, उन्हीं ब्लेसिंग्स को दिमाग में रखें हमेशा, हमेशा फोकस करें अच्छी चीज़ों पर। बहुत लोग होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके लक्ष्य से, बहुत लोग होंगे जो आपको डाइवर्ट करेंगे उस दूसरे वे में जहाँ पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। बड़ा मुश्किल होगा ये रास्ता, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हम उन रास्तों पर ना जाएं। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, मन थोड़ा कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, करना बनता भी है, होगा भी इस एज में आपके, तो कोशिश ये भी करना ज़रूरी है कि आप जज कर पाएं कि किस लिमिट तक आपका वहाँ होना सही है, क्या लिमिट होगी आपकी। लिमिट आपको बहुत ज़रूरी है पता होना, हालांकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको अभी शायद समझ में ना आए, बट ये लिमिट ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। आपके प्राइड और आपके एरोगेंस में केवल इस लिमिट का अंतर होता है। अगर आपने कोई चीज़ें बहुत छोटी सी एज में अचीव कर ली होती है, तो वो अचीवमेंट्स आपके लिए प्राइड
और आपके लिए एरोगेंस दोनों को क्रिएट करने वाली होती है। बस वो एक छोटी सी लकीर है जिसको आप लांगते ही वो एरोगेंस बन जाता है और वो आपके लिए एक नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। खुद पर प्राउड होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, खुद के लिए एरोगेंस क्रिएट कर लेना दैट इज़ बैड। तो आज का मेरा जो मोटिव था आपके साथ इंटरेक्शन करने का वो यही था कि नए साल में हम अपने आप को थोड़ा सा जाने। मैं बहुत बार बोलता हूँ लाइव सेशंस में भी, कई बार जो बच्चे आप लोगों से जैसे सामने बैठते हैं तब भी उनके साथ इंटरेक्शन में यही बात होती है कि हम खुद से ज़रूरी है अपने आप को जानना। पहले आप खुद को जानो, उसके बाद में हम दूसरी दुनिया को जान पाएंगे। अगर आपसे नाम, आपका घर, आपका जो भी इंट्रोडक्शन है उसको हटा दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि आप अब बताओ कि आप कौन हैं, देन यू विल गेट टू नो कि हम अपने बारे में भी कुछ नहीं बता पाते हैं। लाइक, हमारे पास में खुद को बोलने के लिए, खुद को डिफाइन करने के लिए 10 sentences भी नहीं होते हैं। दैट इज़ सरप्राइजिंग एलिमेंट। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम जानें अपने आप को, ठीक है। सो कोशिश करो अपने आप को जानो सबसे पहले। आपकी अच्छाइयाँ, आप में बहुत अच्छाइयाँ हैं। बी मोटिवेटेड, हमेशा अच्छे रहो। अगर आपका ऐसा दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही है लाइक मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं जा पा रहा है, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना, हर कोई केवल स्टडीज़ के लिए बना हुआ नहीं है। हर कोई अगर सारे मेरिटोरियस हो जाएंगे, सबकी 99% आ जाएगी, तो शायद वो कॉम्पिटिशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट यू ऑल आर रियली स्पेशल, आप बहुत स्पेशल हैं। सभी वर्ल्ड में आप जैसा केवल यूनिवर्स, आई शुड से आप पूरे यूनिवर्स में या जहाँ तक हमारा विज़न है वहाँ तक आप जैसा केवल आप हैं। इस बात को जितना जल्दी आप जान पाएंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। हमेशा आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट दें, रिजल्ट की परवाह बिल्कुल ना करें। यू आर द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट एंड यू विल डू बेस्ट। ओके, सो इसी आशा के साथ एक छोटा सा मैसेज था, छोटा सा इंटरेक्शन था आपके साथ में। जल्दी मिलेंगे। आप जयपुर अगर आएँ तो ज़रूर मिलके जाइएगा, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आइएगा। जो भी बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th के हैं तो अच्छा लगेगा, हमें भी, आपको भी अच्छा लगेगा। कभी भी आपको ऐसा लूज़ फील हो तो प्लीज़ बात किया करें, आपके लिए हर तरीके से वी आर अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़, एंड जो भी प्यार आप देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब इस नए साल में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, इसी आशा के साथ। थैंक यू सो मच।